नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 9 TV, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। भारत की राजनीति में रंगों की बड़ी भूमिका है। यहां भगवा, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी समेत सभी रंग किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा या कहें आंदोलन के प्रतीक बने हुए हैं। भारतीय राजनीति के रंग और रंगों की राजनीति के बीच उत्तर प्रदेश में भगवा रंग चढ़ा हुआ है। पहले कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने भगवा रंग की परिभाषा गढ़ी, तो अब अखिलेश यादव बता रहे हैं तिरंगे के 3 रंग हैं, वो नहीं बदलने वाले। इसी पर आज फेस टू फेस होगा। फेस टू फेस में जो आमने सामने जो दो शख्स आज होने वाले हैं, देवेंद्र प्रमुख होंगे बीजेपी से, अरविंद कठेरिया होने वाले हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। हम फेस टू फेस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बात तो हो रही थी CAA की, बात हो रही थी NRC की, इसी का विरोध हो रहा था, इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस बीच आ गया रंग भगवा। जी हां, पहले प्रियंका गांधी ने भगवा रंग का जिक्र किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर अब अखिलेश यादव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी जवाब भी दे रही है अपने ही अंदाज में। एक रिपोर्ट के जरिए पहले समझ लीजिए, फिर फेस टू फेस। CAA का विरोध, प्रदर्शनों के रास्ते, हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की शक्ल लेकर जो बेकाबू हुआ, उसके जवाब में गिरफ्तारियों और कुर्कियों की कार्रवाई अभी परवान चढ़ ही रही थी। केसी के बीच अब गहरे चटक भगवा रंग ने भी इसमें एंट्री मार ही दी। भगवा की परिभाषा का हवाला देते प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बार योगी के सन्यासी चोले को ही सवालों का रंग दे डाला। कहा, भगवा हिंदू धर्म का चिन्ह है, ये बदले और रंज की बात नहीं करता। लेकिन योगी तो बदले की बात करते हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है। पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है। तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। अब मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा। दरअसल CAA विवाद में हुई हिंसा और फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई के चलते माहौल में अब भी तनाव है, और यही तनाव सियासत को सूट भी कर रहा है। ऐसे में सरकार से खफा सेक्शन को कांग्रेस मरहम लगाते हुए भगवा रंग को सही सही परिभाषित कर योगी सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करने की हरसक कोशिश में है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए, उस धर्म में रंज, हिंसा और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है, ये कहना चाहती हूं मैं। हां, पर प्रियंका के प्रवचनों पर योगी की सिद्धि कहां कम पड़ने को थी। यहां प्रियंका के प्रवचन जारी थे तो वहीं योगी का योग भी हठी था। ऑफिशियल ट्वीट के जरिए प्रियंका के ज्ञान में इजाफा करते योगी ने लिखा, सन्यासी के लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो बाधा करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, योगी प्रियंका के आरोपों प्रत्यारोपों के झोंकों के बीच भगवा ऐसा लहराया कि फिर माहौल भगवामयी हुआ हो ना हुआ हो, भगवा हर किसी की जुबान पर जरूर आ गया। क्या सपा, क्या बसपा और क्या भाजपा, सभी मैदान में आ जुटे। गीता में हमने पढ़ाया और उसका उदाहरण कई बार दिया है आपको। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या मुख्यमंत्री जी दूसरों का दुख अपना दुख समझ रहे हैं? जहां तक सवाल देश का है और समाज का है, सदियों से भारत में लोग मिलकर के रहे हैं, ये हमारी संस्कृति है, और भारत का रंग तिरंगा है झंडे का, ये तिरंगा ही रहेगा, कोई एक रंग में नहीं कर पाएगा, ये भारत देश की जनता जानती है।
अब कुल मिलाकर यूपी में हुई हिंसा और उसके बाद हुई कार्रवाई को लेकर भगवा के जरिए नया मोड़ तो पूरे मामले में आ ही गया है। देखना यह है कि अचानक से कांग्रेस को प्रियंका के जरिए भगवा की याद क्यों आई। क्या भगवा को कभी आतंक से जोड़कर खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने की कहावत सच कर चुकी कांग्रेस अब इसी की सही सही परिभाषा पेश कर फिर से मैदान में उतरना चाहती है, या फिर इस परिभाषा के जरिए वाकई सरकार को आईना दिखाना वक्त की दरकार भी है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। जी हां, CAA के विरोध और NRC को लेकर पहले से प्रदर्शन, बीच में आ गया भगवा रंग। आज इसी पर फेस टू फेस होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं गीता का, तो उधर मंत्र ट्वीट कर रही हैं प्रियंका गांधी। फेस टू फेस में दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद कठेरिया जी के पास हम जा रहे हैं। अरविंद जी, जिस तरह का सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में बनता है, उसका असर दिल्ली या कहें पूरे देश पर पड़ने वाला है। इधर प्रदर्शन हो रहा था, विरोध हो रहा था, CAA का, NRC का विरोध हो रहा था, उस बीच आ गया भगवा रंग। क्या आप भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भगवे का जिक्र किया, आज अखिलेश यादव भी करने लगे? जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से जब कोई भी व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता था या अपने परिवार से फुर्सत पा लेता था तो वो जंगल में जाकर भगवा रंग पहनकर साधु का रूप धारण करता था। भगवा रंग का मतलब है साधुवाद, लोगों के प्रति समानता, लोगों को की भलाई करना। आज जिस रूप से मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में, भगवा रूप हिंसक रूप लेता जा रहा है, वो बहुत निंदनीय और क्षमा करने योग्य नहीं है। मैं अपने देवेंद्र प्रमुख जी जो हमारे बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस देश के राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं और ये चौथा रंग हिंसात्मक जो ले रहा है, वो इस प्रश्न का मैं इनसे जवाब जानना चाहता हूं कि क्या भगवा रंग का मतलब यही है कि आप किसी का टिपन चेक करें, आप किसी का घर चेक करें, आप धर्म संप्रदाय करें? इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कि भगवा रंग के सहारे और भगवा रंग के आड़ में आप हिंसात्मक रवैया अपना लें और इस समाज को दलित या SC ST या OBC अल्पसंख्यक समाज को मतलब दंडनीय अपराध करें उनके साथ। देवेंद्र प्रमुख जी, सीधा जवाब चाहिए। मुझे हास्यपर्द लगता है जी, मित्र की बात, मुझे हास्यपर्द लगता है कि उन्होंने भगवा पर सवाल उठाया और भगवा पर सवाल उठाते उठाते वो तिरंगा की बात कर रहे हैं। जिन्हें आज तक भगवा का ही ज्ञान नहीं है वो सवाल उठाने लायक ही नहीं है। भगवा पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो भगवा के बारे में जानिए। देवेंद्र जी, मैंने कह दिया भगवा रंग का मतलब है साधुवाद, सज्जनता। भगवा रंग का मतलब क्या समझ रहे हो आप? भगवा रंग का कतई मतलब नहीं है कि आप भगवा रंग के आड़ में आप अहिंसा करें, आप मार जो खा रहे हो यही खा रहे हैं हमेशा, आप अन्याय करें। भगवा का ज्ञान नहीं, आप गीता का ज्ञान नहीं, आप रामायण का ज्ञान नहीं। अगर आपके गीता का ज्ञान हो, रामायण ज्ञान हो, अगर आपकी प्रियंका का ज्ञान हो, अगर आपके अखिलेश जी का ज्ञान हो, तो शायद वो इस पे क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, क्योंकि भगवा कोई लिवास नहीं है, भगवा इस देश की संस्कृति है, भगवा इस देश का सनातन धर्म है। जिससे भगवा चलता है, जहां से भगवा निकला है, उस भगवा का मतलब समझिए कि आप जो है टोपी के चक्कर में भगवा का रंग ही भूल गए और भगवा का मतलब ही भूल गए। देवेंद्र जी, मैं आप क्या आपको नेताओं को ज्ञान नहीं है? 2 मिनट का समय दीजिए। प्रियंका जी, अगर प्रियंका जी भगवा का सवाल उठा रही है तो राहुल को भी बताएं वो कम से कम कि भगवा में और टोपी में अंतर कितना है, कलावा का क्या मतलब है। राहुल को पता है, प्रियंका को पता है कि गोत्र क्या होता है, भगवा का मतलब बताने चले आप? आपको तो गोत्र तक का पता नहीं है, आपको तो धर्म का पता नहीं है, आपको तो जाति का पता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्वेश्चन उठाने लायक कब के हो चुके हैं। आपसे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। भगवा रंग भगवा रंग का मतलब सादगी, भगवा रंग का मतलब दूसरों की मदद करना, भगवा रंग का परेशान व्यक्ति की मदद करना। भगवा रंग के सहारे में आप इस देश के लोकतंत्र को नहीं बदल सकते हैं, इस देश के राष्ट्रीय झंडे को नहीं बदल सकते हैं। भगवा रंग के सहारे में इस उत्तर प्रदेश की जनता को आप कतई परेशान नहीं कर सकते हैं, और ये जनता आने वाले 2022 के चुनाव में आपको जरूर सबक सिखाएगी, ये मैं आपको दावा करता हूँ। 2022 में भी काफी टाइम है, हम 2000 पहले ही आपको आपकी औकात बता चुके हैं,
और आज आपने भगवा पे क्वेश्चन उठाया, कल आप एनआरसी पे क्वेश्चन उठा रहे थे, परसों आप 370 पर उठा रहे थे, उससे पहले 35 पर उठा रहे थे, आपको यही पता नहीं है कि हमें उठाना क्या? अरे आप भगवा की बात करते करते राष्ट्र विरोधी है, भगवा विरोधी है, हिंदू के विरोधी है, आपको पता नहीं किसका आप परिवर्तन कर रहे हैं, आप पक्ष लेते रहते हैं, भूल गए कि हमें हम निराधार किसका कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार निराधार किसका आई थी, आज जनता को रुला दिया है, जनता रो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहने से जनता नहीं रहती, जिस देश कहने से आदमी को इस देश की जनता पूरे लोकतंत्र भारत पर भारत पर 75% लेकर आपको देखे और इस्तेमाल करेंगे आपको भगवा तक का पता नहीं है, आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे करवाना चाहते हैं कि भगवा का कलर आपकी नजर में क्या है? की पेंशन योजना बंद करने के बाद आप कह रहे हैं भगवा रंग, भगवा रंग हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, पूछिए भगवा, भगवा का मतलब क्या है, भगवा का कलर क्या है, भगवा रंग का कौन सा रंग, भगवा रंग जो आप इस समय पहने बैठे हैं, भगवा रंग का मतलब साधुवाद, भगवा रंग का मतलब सज्जनता, भगवा रंग का मतलब गरीबों की मदद करना, भगवा रंग का मतलब सज्जनता और समानता, आप ये भगवा रंग का मतलब होता है, भगवा रंग के सहारे में आप भगवा रंग का मतलब देश की जनता गलत काम करने के लिए बिल्कुल झूठ नहीं देगी, भगवा रंग इसका सनातन धर्म की संस्कृति का रंग है, उस धर्म को यहाँ से रामायण आई है, माध्यम से यहाँ से गीता आई है, गीता को यहाँ से सनातन मैं रामायण को मानता हूँ, वही भगवान राम को मानता हूँ, मैं वही से भगवान को कराया, लेकिन आज देश का हर साधु भगवा है, इस देश का हर नागरिक भगवा है, इस देश की रंग रंग संस्कृति में भगवा है, आप कहाँ कहाँ से भगवा को मिटाएंगे, देश और प्रदेश में आप कहाँ कहाँ से किस देश की भक्ति जलाई जा रही है, देवेंद्र प्रमुख जी उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, मैं आदरणीय योगी जी से रूंधे गले से और रोता हुआ उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की महिलाओं की थोड़ा सा जवाब दीजिए प्लीज, उसको शुरू करें जी, अगर वो सही ढंग से भगवा रंग का इस्तेमाल करना जानते हैं तो। ये मोबाइल बंद कीजिएगा, मोबाइल बंद कर दीजिए। कठेरिया जी एक बात का जवाब दीजिएगा, तुष्टिकरण की राजनीति से इनकार किया जा सकता है क्या? देखिए राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसमें हर कूटनीति समावेश कर जाती है, बस समझिए, यदि हम कहें हम कूटनीति नहीं करते हैं या हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं, यह कहना गलत है। आज देश की देखिए, पहले राजनीति होती थी कंस्ट्रक्टिव राजनीति होती थी, अपोजिट एक दूसरे विरोधी पार्टी के नेता एक फंक्शन में शादी विवाह में लोग मिलते थे। आज राजनीति जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी है, अरे राजनीति की बात ना करके आज ये कलर की बात कर रहे हैं, जब इनको इस देश में सेवा सुरक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात करनी चाहिए। नहीं वो तो बीजेपी ने तो बात ही नहीं की ना साहब, तो बीजेपी ने तो बात ही नहीं की। चलिए चलिए हमारे देवेंद्र प्रमुख जी, क्या ये बात आपने शुरू की थी या ये कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की है जी? किसने शुरू किया? हम देखिए करना चाहते हैं, देवेंद्र जी दो मिनट आप बोल लेना, आपको मौका दिया जाएगा। आप देखिए मैं बता रहे, देखिए हमारे देश में भगवा रंग प्राचीन काल से है, जब हम पहले भी कह चुके हैं कि जब व्यक्ति अपने पूरे परिवार को शादी ब्याह करके निपट जाता था और वो जंगल में जाकर एक साधु का रूप धारण कर लेता था, उसे गृहस्थ जीवन से मतलब नहीं रहता था, ठीक है, वो है भगवा रंग। आज जैसे जैसे समय जा रहा है, ये हमारे
उत्तर प्रदेश की नहीं है भगवा का, यही तो आपके बदल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ देवेंद्र जी, दो मिनट, उसका मतलब जो है उसका ध्यान से देखिए, आप हिंदू धर्म में कितने वर्ण होते हैं, देश की कौन से वर्ण में भगवा धारण होता है, परिवर्तित कर आप हिंदू धर्म के, आप हिंदू धर्म के वर्ण बताओ, हिंदू बताओ, बड़ा हिंदू है तो फिर, और अरे हिंदू बेसा, लेकिन हिंदू की एक चीज की बात करते हैं, आप भगवा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, अरे कौन सा वर्ण है जिसमें भगवा धारण होता है, कहां जाता है, कौन सा वर्ण है, मुझ मुझ रात को क्या पता भगवा धारण का, कौन सा वर्ण है जिसका भगवा धारण जाता है, जब घोड़ी पे ज्ञान नहीं है आपका, नेता आपका हिंदू धर्म तब पे जाता है जब बरात नहीं यही यही है, तो हिंदू धर्म तो हमेशा बाहर खाते हैं, हिंदू धर्म तब कहां जाता है जब कल को भगवान का ज्ञान नहीं दिया जाता है, आपको ये वर्ण का पता नहीं, अगर आप इसे हिंदूवाद कहते हैं तो मैं इसे हिंदूवाद नहीं मानता हूं, हिंदू आपको कलावे का पता नहीं, अरे भाई साहब आपको कलर का हिंदू धर्म में 85 भगवान और भगवान हैं और रावण सीता की बात पर आ गए, वो तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक चीज है, उसके लिए तो बहुत बड़े ज्ञान की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म में कितने लोग हैं आप बताइए, 85 वस्त्र जो मूल निवासी है, यहाँ के ज्ञान नहीं है, समझे, यहाँ के देश के मूल निवासी हैं, गलत है हिंदू, आप बताइए देवेंद्र जी, जब आप सुनो सुनो कुछ रखने पे मर्डर कर दिया जाता है, सुनिए गुजरात में कितनी हत्याएं हो गई हैं, आप मंदिरों में नहीं घुसने, घोड़ी आप बताइए, घोड़ी क्या इनकी रिश्तेदार है, आप कौन लगती है घोड़ी, घोड़ी में क्यों नहीं बैठने दिया जाता, मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूँ, आप समझे कैसा आपका हिंदूवाद है, आप समझे, आप भगवा, मैं आप भगवा का मतलब बताइए, आपका भगवा का देखिए, मैं बार बार आपके चेहरे पर भगवा डाला जाता है, भगवा का रंग साधुवाद, कौन सा भगवा का रंग मतलब है, भगवा का रंग का मतलब रंग, रंग से कोई मतलब नहीं है, कौन सा वर्ण, रंग से मतलब भगवा रंग का मतलब धर्म का कौन से वर्ण में कहा जाता, भगवा रंग का मतलब साधुवाद, लोगों की भलाई, लोगों की अच्छाई के लिए कार्य करना, कलर आप हरा रंग ले लो और पीला ले लो, कलर से क्या मतलब, हमारे संविधान ने काले कलर वाले हमारे संविधान ने हमें राष्ट्रीय कलर वाले हमारा तीन रंगों का झंडा दिया हुआ है, हमारे संविधान में दिए गए रंग की बात क्यों करते हो, आप भगवान रंग क्यों चढ़ाना चाहते हो, आप भगवा का रंग आपको कैसरिया सफेद और वो रंग नहीं समझ में आते हैं राष्ट्रीय झंडे के, आप उसकी बात क्यों नहीं करते, आप भूल गए, आपको राष्ट्रीय झंडा नहीं याद है, कि आप जब पता ही नहीं है तो चिल्लाने से क्या फायदा, अरे अब मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता, मैं आपसे पूछिए, मेरा प्रश्न प्रमुख जी, एक एक सवाल मेरा भी, एक मिनट रुकिएगा, जवाब दो, देखिए देखिए भगवान संविधान ने मुझे राष्ट्रीय झंडा दिया, आप लोग सुन भी तो लीजिए प्लीज, उसमें सफेद रंग है, देवेंद्र प्रमुख जी, सफेद देवेंद्र जी, आप देवेंद्र जी उसकी बात नीले में है, कौन सा अंतर है, भगवान रंग को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, भगवान रंग के सारे मॉबलिंचिंग क्यों करते हैं आप, ठीक 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 ठीक, कठेरिया साहब कठेरिया साहब एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा आप लोग ना भटक रहे हैं, देखिए देखिए प्रमुख साहब एक सवाल जानना, डिबेट करना है, एक 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 सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ आपसे, देवेंद्र जी, आप देवेंद्र जी भगवा के बारे में नहीं, देवेंद्र जी अभी 125 करोड़ लोग हैं, उसमें से आपके समझ लो कि कई अल्पसंख्यक है, बहुजन है, चलिए कठेरिया साहब हो गया, ठीक है ठीक है, हिंदू आप हैं, ठीक है, भगवान रंग दुपट्टा देवेंद्र प्रमुख जी, ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाली जो छवि है, अभी प्रियंका गांधी ने भगवा का जब जिक्र किया तो उस दौर में यह भी लगा कि एक दौर में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के भाई हैं, वो भी मंदिर मंदिर जा रहे थे, और ये लगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को एक बार फिर से लाया जा रहा है सामने, और इसे आप किस तरीके से देखते हैं, और प्रियंका गांधी का ऐसे मौके पर जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस समय भगवा कहना और समाजवादी पार्टी का सुर में सुर मिलाना, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, मुझसे कर रहे हैं देवेंद्र जी बोल रहे हैं, नहीं मुझसे हुआ क्वेश्चन, पूछिए आप बताएं, पूछिए जी 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 बिल्कुल, मुझसे हुआ ना क्वेश्चन, जी जी आप अपना ध्यान ज्ञान पूरा रखिए, जी 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 ने मेरा ध्यान आपके ऊपर है, मेरा ध्यान आपके ऊपर ज्यादा है अपना, क्योंकि आपकी बात का जवाब दे रहे हैं मुझे देवेंद्र जी, मैं जो भगवा की बात बता रहे हैं, आप भगवा की जो बात, आप तीन रंग भी याद रखिए जो भारतीय संविधान ने दिए हैं, कि जब राहुल गांधी जी मंदिर गए थे तो वहां के पंडित ने, वहां के पुजारी ने उनसे पूछा था कि आपका गोत्र क्या, क्योंकि हिंदू संस्कृति के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई भी आप पूजन करेंगे, किसी मंदिर में आप जाएंगे तो वहां मंत्रोच्चारण के साथ आपके गोत्र का नाम लेना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं गणपति महाराज, गणेश जी जो महाराज हैं, जिनको सर्व पूज्य के नाम पर सर्वप्रथम जिनको नमस्कार प्रणाम कर पूजन की जो है आदेश लेने के बाद मंदिर में पूजा शुरू की जाती है, वहां गोत्र का उनके सामने उच्चारण होना बहुत बड़ी बात है, तो राहुल गांधी जी वहां अपनी बगले झांकने लगे और गोत्र नहीं बता पाई, जब उनको फिर उसके बाद जो कलावा धारण होता है हिंदू धर्म का, जिस पर आप चिल्ला रही हैं अभी, जिन्हें राहुल जी की बहन चिल्ला रही है प्रियंका जी,
उनको जो जब उनसे पूछा गया राहुल जी से कि आप जो है इसका मुझे जो थोड़ा सा मतलब बता देंगे कि कलावा क्या होता है, कलावा का धारण करने का, आप मुझे कलावा कहने लगे, मुझे कलावा बंधाना ही नहीं, मुझे कलावे का मतलब पता नहीं, मैं समझता नहीं कलावा क्या, तो उनको हिदायत देनी पड़ी। वहां पुजारी को बोलना पड़ा कि आपको ना तो गोत्र का ज्ञान है ना कलावे का ज्ञान है, इसलिए आप इसमें ना करें, ना जाएं तो ये अधूरा ज्ञान रहेगा। और वो उसके खिलाफ जो है आके उन्होंने कई बार हिंदू धर्म पर उंगलियां उठाई, भगवा पे उंगलियां उठाई, इसके बाद जो है उठाने के बाद ये भूल गए वो कि उन्हें घूम के और चोट खाकर फिर आना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत देश जो है सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का धर्म है, जो महाभारत और रामायण से चलता हुआ आ रहा है, जिसका युगो युगो तक कालों कालों तक दुनिया में एक अखंड जो है अखंड ऐसी कोई अगर संस्कृति है, ऐसा कोई धर्म है, तो वो सनातन और हिंदू धर्म है, जिसको अमेरिका मानता है, ब्रिटेन मानता है, पाकिस्तान और इनकी तो बात छोड़ दे तो कल परसों के धर्म है, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन उठाने लायक नहीं है। नहीं अरविंद कठेरिया जी, आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। और मैं प्रियंका जी और सोनिया जी के बारे में बता देता हूँ कि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उनका इस धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना उनकी कोई भगवान। कठेरिया जी आप जवाब दीजिएगा, एक थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। मुस्लिम आस्था है, उनका मतलब है उनका ईसाई धर्म है और वो ईसाई में आस्था रखती हैं, और उनकी दूसरी पीढ़ी का मुस्लिम धर्म है वो उसमें आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म से उनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप जवाब दीजिएगा, उन्होंने हमेशा जब प्रियंका गांधी ने और हिंदू धर्म को खत्म करने का काम किया का राग छिड़ा ना, 70 साल लग गए उन्हें से मिटाने के लिए, लेकिन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया है इस देश को कि हिंदुत्व क्या है और धर्म क्या है, सनातन क्या है, सनातन धर्म के साथ साथ भगवा क्या है, जो आज प्रियंका और अखिलेश जी से सहन नहीं हो रहा। ये है हिंदुत्व। मैं बंधु कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिबेट में नहीं आया हूं, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, छोटा सा सिपाही हूं, और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बात नहीं, मैं आपसे सवाल वही कर समाजवादी पार्टी वाला करने जा रहा हूं, आप सुनने को तैयारी नहीं है कोई। जी मैं वही कहने जा रहा हूं, जब प्रियंका गांधी ने ये बात कही भगवा वाली, तब मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा लोक सेवा के लिए भगवा धारण कर रखा है, लोक सेवा के लिए भगवा धारण कर रखा है। और एक बात और कही गई ट्वीट में, उन्होंने कहा कि विरासत में राजनीति पाने वाले नहीं समझ पाएंगे, विरासत में राजनीति पाने वाले नहीं समझ पाएंगे, तो विरासत की जब बात आती तो समाजवादी पार्टी भी उसमें खड़ी है। देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी को आपको कांग्रेस के साथ जोड़ना गलत है। देखिए, जब कोई चीज मतलब एक चुनाव लड़े थे, जब देख अब आप बोल चुके, देवेंद्र जी आप बोल चुके, अब आप मुझे मौका दे, आप मुझे मौका दे, अरे प्रियंका कह के आप नहीं, आप और आप सनातन धर्म की समर्थन कर दिया, अब बोल रहे यहाँ बैठ कर, आप सनातन मतलब नहीं, आप सनातन धर्म ही नहीं रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सनातन धर्म किसानों की मदद करेगा, आपका नेता समर्थन, क्या आपका सनातन धर्म ये कहता है कि आप बताइए, आप किसानों के किसानों के यूरिया की बोरी से पांच फूल निकाले, आपका धर्म बताता हूँ, आपका धर्म क्या कह रहा है, अरे सनातन धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा है, समझे, और हिंदू धर्म को मानने वाले अच्छे हैं, लेकिन जो आज देश में तथाकथित लोग भगवा रंग का दुपट्टा डाले घूम रहे हैं, ये लोग नहीं, ये लोग गलत है, और मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, आपका भगवा रंग क्या ये कहता है कि किसानों के बोरी से 5 किलो यूरिया निकाल दो, आपका भगवा रंग ये कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3500 करोड़ की नीति बनवा दो, 3500 करोड़ रुपए में जनाब इस देश में 3500 मेडिकल कॉलेज बनवाते हैं, आप किस तरह इस देश का पैसा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इस देश की जनता, आज किसी भी मंडी में चले जाओ, आप मंडी में दुपट्टा डाल के जाओ, आपको लोग भगवा रंग का मतलब बता देंगे, जब 200 रुपया क्लब का बिक रहा है, 200 रुपया है, 200 रुपया लहसुन बिक रहा है, आपके भगवा रंग का मतलब ये है, जो स्वयं अकेले खड़े रहते हैं, जिनकी पार्टी गुजरात में खड़ी होती है, गुजरात में हमारा दलित बच्चा, मैं रोते हुए बोल रहा हूँ आपसे कि जब गुजरात में मेरा दलित बच्चा गरबा देखने जाता है उसकी हत्या कर दी जाती है। आप दोनों का वक्त समाप्त हुआ, आप दोनों का वक्त समाप्त हुआ, प्लीज प्लीज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये बताने के लिए कि आप दोनों क्या सोचते हैं, आपकी पार्टियां क्या सोचती हैं,
क्यों रंगों में उलझाया जा रहा है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मौजूदा वक्त में रंग रंग दिखा रहा है, भगवा भगवा हर तरफ से हो रहा है। एक बार अगर भगवा पे बात चलती है तो फिर भगवाधारी भी चुप रहने वाले नहीं। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री के ट्विटर से एक ट्वीट हुआ, उन्होंने कहा लोक सेवा के लिए भगवा धारण कर रखा है, विरासत में जिन लोगों को सियासत मिली वो लोग भगवे का महत्व नहीं जान सकते। अब ये लड़ाई और कितनी आगे जाने वाली है, सियासी लड़ाई, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए आनंद टीवी के साथ।